के लिए एक वो गौरव का पल है जो शायद बरसों तक अधूरा था, लेकिन जिसे आज पूरा होने का ये सौभाग्य मिल चुका है। 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया था और आज यानी कि कल अगर जिक्र करें तो इसका लोकार्पण यहाँ पर होने वाला है। और बेहद खूबसूरती के साथ जो काशी है वो देखिए किस तरह से सज गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार भी पूरा देश यहाँ पर कर रहा है, बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद होंगे। पूरी खूबसूरती के साथ इसे सजा दिया गया है। हर किसी के जहन में बस यही है कि कब काशी की ये दुनिया कॉरिडोर के जरिए खुलती हुई नजर आएगी। ऐसा नहीं है कि अंदर भक्त दर्शन नहीं कर रहे, अब भी कर रहे हैं। जिन तंग गलियों से होकर गुजरना पड़ता था अब वो गलियां दूर दूर तक यहाँ पर नजर नहीं आएंगी। जिन संकरी गलियों से गुजर कर बाबा के दरबार में माथा टेका जाता था अब बेहद सुरक्षा के साथ और खूबसूरती के साथ सलीके के साथ यहाँ पर पहुंचा जा सकेगा। इस वक्त हम मौजूद हैं पवित्र काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर और हमारे साथ यहाँ पर है श्रीकांत जी जो कि मुख्य पुजारी हैं। सबसे पहले हम आपका दर्शन करा लेते हैं पवित्र काशी विश्वनाथ मंदिर का। श्रीकांत जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। और सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना जो उन्होंने 2014 में कहा था कि बदल देंगे काशी को पूरी तरीके से, कायाकल्प कर देंगे, टूरिज्म बढ़ाएंगे, धर्म की बातें हुई थी, किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, अब पुरातनता को नष्ट किए बिना नए कलेवर में बदले हुए स्वरूप में भगवान श्री काशी विश्वनाथ का धाम सज धज कर तैयार है। और अब जब धर्म प्राण भक्त आएंगे तो उनके लिए उन गलियों से नहीं गुजरना पड़ेगा, उन सकरे रास्तों से नहीं जाना पड़ेगा। काशी की गली गली में आपको शिव भक्त नजर आ जाएंगे, काशी की कण कण में आपको शिव भक्ति की तस्वीर साफ दिखाई देगी। काशी आईने की तरह चमकता है, यहाँ किसी तरह का कोई लाग लपेटा नहीं है और शायद यही वजह है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन को लेकर स्कूली बच्चों में भी उत्साह देखते ही बन रहा है। न्यूज 18 इंडिया की टीम ने उन बच्चों से बातचीत की जो शिव भक्त के तौर पर नजर आए, आप भी देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार ये बातें कही है कि काशी का विकास किया जाएगा, डेवलपमेंट किया जाएगा, यहाँ के कल्चर, यहाँ के संस्कृति को बिना उपेक्षा किए हुए उसको बढ़ावा देते हुए पूरे काशी का विकास किया जाएगा। इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह, मैं ज्यादा यहाँ कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कल्चर क्या है काशी का, यहाँ का और यहाँ की संस्कृति क्या है, किस तरीके से कण कण में भोले शंकर यहाँ पर निवास करते हैं काशी में। तस्वीरों में देखिए छोटी छोटी बच्चियां हैं। आप बेटा क्या कहना है आपका, आज आप यहाँ पहुंची हैं सुबह सुबह, क्या कहना है? मुझे बहुत अच्छा है। देवों के देव महादेव की नगरी में है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया है। कल लोकार्पण की वो शुभ घड़ी भी यहाँ पर आ गई है। सोमवार का दिन है, सोमवार यानी कि भोलेनाथ का वो दिन है जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए किया जाएगा। देवों की नगरी, धर्म की नगरी, ज्ञान की नगरी, दीपों का शहर, आध्यात्म की दुनिया, बस कदम रखते ही आपको काशी के कण कण में ये खुद साक्षात नजर आने लगेगा। हर एक सांस आपकी आध्यात्म की तरफ बढ़ने लगती है, शायद यूं ही इसे काशी नहीं कहा जाता है। तैयारियां देखिए कितनी खूबसूरती के साथ हो रही है, जगह जगह फूल और लाइटिंग्स यहाँ पर लगाए गए हैं क्योंकि काशी इस वक्त। इधर देखिए एक और तस्वीर, ये कल्चर है, ये संस्कृति है काशी की और हर साल इसी तरीके से काशी के गलियों में, काशी के सड़कों पर श्री बारात निकाला जाता है, इस साल भी निकाला जा रहा है। और यहाँ देखिए तस्वीरों में ये भी यहाँ पर लगातार रथ, यहाँ पर आप देख सकते हैं रथों से यहाँ पर आप पीछे मैं कहूँगा कि एक बार आपको ऊपर से टाइम तस्वीर, पीछे भीड़ देखिए किस तरीके से है यहाँ पर, क्योंकि काशी नरेश जो काशी के गलियों में जो काशी के लोग हैं वो हर कोई शिव की इस बारात का लुत्फ उठाना चाहते हैं। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि क्या सी
तस्वीर के साथ आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि काशी किस तरह से अपने कायाकल्प को लेकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे क्योंकि गंगा की लहरों के साथ साथ हमारा सफर भी आगे बढ़ता जा